हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लंच की थाली। वैसे तो आप इसे डिनर में भी इंजॉय कर सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल मैं लंच के लिए इसे प्रिपेयर कर रही हूं। तो यहां मैं बना रही हूं दाल मखनी, जिसके लिए मैंने एक जो कटोरी है वो भर के लिए है काली उड़द की दाल। इसे हम इसमें डाल देंगे और इसी में मैं डाल दूंगी आधी कटोरी राजमा। तो ये छोटे वाले राजमा है, आप बड़े वाले भी ले सकते हैं। और राजमा जितना लिए उसी का आधा हम चना का दाल ले लेंगे और इसे जो है ना हम भिगो के रख देंगे कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए। तो अभी इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे धो के हमने भिगो के रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे धो लिया है 3 से 4 पानी में और इसे हम भिगो देंगे। आप अगर मॉर्निंग में या मतलब लंच में बना रहे हैं तो आप इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं, या फिर अगर आपने लंच बनाना है तो अर्ली मॉर्निंग भी आप इसे कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए सोक करके रख दीजिए। तो मैं इसे सोक कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने सोक करने रखा था तो 6 घंटे मैंने इसे रखा था। अब क्या करेंगे, इसे हम बॉयल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए यहाँ मैंने लिया है कुकर और कुकर को धो लिया है। और ये जो हमारी ये राजमा उड़द और चना है इसे इसमें डाल देंगे और अब इसमें डाल देंगे तेज पत्ता, दालचीनी, नमक और साथ में हींग और अब डाल देंगे पानी। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने धीमी आंच पे 4 सीटी आने के बाद जो है गैस को बंद कर दिया था और इसे पूरी तरह से मैंने ठंडा होने दिया है। और अभी हम इसे चेक कर लेंगे। तो देखिए, ये जो दाल है हमारी बहुत ही बढ़िया से कुक हो गई है। ये देखिए राजमा आप देख सकते हैं और ये जो दाल है इसी तरह से हमें ये चाहिए। यहाँ जो है मैंने गैस वापस जला दी है और अब मैं इसमें डालूंगी मलाई। तो मलाई आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा ही मलाई डाल रही हूँ और ये कम से कम आधी कटोरी के आसपास होगी। और अभी क्या करेंगे ना, आपके पास अगर ये मलाई नहीं है तो आप उसकी जगह दूध डाल सकते हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है दूध से भी। और अब क्या करेंगे, दाल को ना हमने घोटना है, मतलब धीमी आंच पे ओपन में ही पकाएंगे, पर इसको अच्छे से इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं कि मैं दबा रही हूँ ये दाल को इस तरह से, तो मैश करेंगे। इससे क्या है, एक लेस सी जो होती है ना मतलब जो दाल में बहुत बहुत टेस्टी जो है उसका फ्लेवर आता है। आप जो है ना जब दाल ये बनती है तो आपने देखा होगा कि दाल जो है काफ़ी देर तक काढ़ी जाती है। सबसे पहले शादी ब्याह में दाल ही जो है चढ़ाई जाती है और सबसे एंड तक वो बनती रहती है। तो बस इसी तरह से इसको हम धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ेंगे और इसे जो है इस तरह से दबाते जाएंगे ताकि ये ना बहुत अच्छे से इसमें जो मलाई है वो रम जाए और अच्छे से इसमें एक जो लेस होती है ना दाल में वो आ जाए। तो मैं इसे पका लेती हूँ, कम से कम इसे 10 से 12 मिनट में और पकाऊंगी इसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने बहुत अच्छे से घोट घोट के जो है ये किया है और अब इसमें डाल देंगे हम ये बटर। तो बटर की क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी क्योंकि हम दाल मखनी बना रहे हैं तो मक्खन तो इसमें भरपूर होना चाहिए। और अब क्या करेंगे, मक्खन के साथ भी इसे धीमी आंच पे हम अच्छे से पका लेंगे। और अभी आपको इसका कलर जो है थोड़ा सा वाइट लग रहा है, पर ये जैसे जैसे पकेगी ना इसका कलर आप देखेंगे रेड हो जाएगा। बहुत बढ़िया ये दाल जो बन के रेडी होती है, बिल्कुल आप जब इस तरह से बनाएंगे तो आपको लगेगा कि आप जो है रेस्टोरेंट होटल ढाबे की दाल खा रहे हैं।
तो इसे धीमी आंच पे पकाना है। तो ये बहुत अच्छे से पकाई जाती है तभी जो है एक्चुअल जो टेस्ट है ना दाल मखनी का वो आता है। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा दाल मखनी मसाला। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए और बाकी मसाले जो आप डालेंगे उससे आप इसे बना लीजिए। तो इसे मिक्स करेंगे और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा कसूरी मेथी। इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है क्योंकि ये कसूरी मेथी पक जाती है। और इसे भी पका लेंगे। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा सौंठ पाउडर। तो ये 1/4 टीस्पून के आसपास है। इससे क्या है ये जो हमें दाल जो है बाई-बादी नहीं करेगी और डाइजेशन में भी इजी रहता है। और इसे जो है ना वापस से हम 5 से 7 मिनट अच्छे से पकाएंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम दूसरे गैस पे ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि ये थोड़ी देर तक रिझती रहे, कम से कम 10 मिनट तक। और इसके लिए तब तक हम एक तड़का तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने एक पैन रख दिया है और इसमें डाल दूंगी देसी घी। तो मैं देसी घी में तड़का लगा रही हूँ और देसी घी में ही इस तड़के का जो है असली स्वाद जो आता है। तो देसी घी ही डालिएगा आप लोग भी। तो घी हमारा गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे जीरा और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो इसे अच्छे से हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 प्याज जो कि बहुत ही बारीक मैंने काट के इसमें डाला है। और इसे भी अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें प्याज में सुनहरा कलर आ सके। तो प्याज हमारे भून गए, इसमें डाल देंगे हम देगी मिर्च। तो 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ, इससे इसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च रेगुलर वाली और नमक स्वादानुसार। हमने नमक दाल में भी डाला था तो इस समय आप हिसाब से ही डालिएगा। और इसे भून लेंगे अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी जो कि मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे वो डाले हैं। और उसको अच्छे से फाइन पेस्ट बना लीजिएगा। तो दाल मखनी में तड़का लगाने का अलग अलग सबका हिसाब है। कोई प्याज टमाटर का लगाता है, कोई सिर्फ टमाटर का लगाता है और कोई इसमें सिर्फ प्याज का और अदरक लहसुन का लगाता है। तो अगर आप टमाटर पसंद करते हैं तो टमाटर का लगाइए, या मेरी तरह दोनों लगा सकते हैं, या फिर किसी एक चीज़ का तड़का आप लगा सकते हैं। अगर आप प्याज टमाटर नहीं खाते हैं प्याज और लहसुन तो आप सिर्फ टमाटर अदरक का जो तड़का है वो भी लगा सकते हैं। और इसे हम बहुत अच्छे से पकने देंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये जो हमारा तड़का है बिल्कुल रेडी है और अच्छे से ऑयल भी सेपरेट हो गया इसमें से। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारी दाल है ये तड़का उसमें डाल देंगे। तो मैं इसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसे जो है कम से कम 10 मिनट तक धीमी आंच पे छोड़ देंगे पकने के लिए। तो जब तक दाल हमारी बनती है हम इसके साथ सर्व करने के लिए जीरा राइस बना लेंगे। तो इसे मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो यहाँ मैंने कुकर चढ़ा दिया और इसमें डाल देंगे देसी घी। तो आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं पर ये देसी घी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और ये काली मिर्च, जीरा
तो जीरा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि हम जीरा राइस बना रहे हैं। तेज़पत्ता, और इसे थोड़ा सा सोते करेंगे ताकि इनमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। साथ ही इसमें जावित्री भी डाल दूंगी और इन सबको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसमें से ना एक अच्छी सी बढ़िया सी खुशबू आने लगे। साथ साथ हम दाल को भी चेक करते रहेंगे ताकि नीचे से लग ना जाए। और अब आप कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया है। और अभी से हम 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। और इधर जो है हमारा जो ये खड़े मसाले हैं वो भी हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हम पहले से भीगे हुए राइस, जो कि मैंने 10 से 15 मिनट पहले भिगो रखे थे। और इसे जो है एक बार हम मसाले के साथ इसमें भून लेंगे और हल्के हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक, कुटी हुई काली मिर्च थोड़ी सी, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे वापस से मिक्स करेंगे। और अब इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। तो यहाँ मैंने चावल पहले से ही भिगो के रखे थे, इसलिए मैंने जितने चावल लिए हैं उतना ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और अब इसका लिड लगा देंगे और इसे 1 सीटी आने तक हम पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें 1 सीटी आने के बाद मैंने गैस को कर दिया था बंद और इसे हम चेक कर लेंगे। और देखिए ये चावल जो है हमारे बिल्कुल खिले खिले से लंबे लंबे से चावल ये बन गए हैं जीरा राइस। और इसे हम साइड में रखेंगे अभी। और इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया और इसे रख देंगे साइड में। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने जलाया है एक ये दालचीनी का टुकड़ा और इसका स्मोक देंगे हम हमारी दाल में। और ये दाल की कटोरी हम रखेंगे इसमें और इसमें डाल देंगे हम फटाफट से देसी घी। और इसे हम इस तरह से स्मोक दे देंगे, ढक देंगे। तो इसे हटा लेंगे अब और इसमें हम डाल देंगे हमारा धनिया और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। और इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा बटर और ये अभी गरम है, इसे हम इसी तरह से ढक देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं और अब क्या करेंगे, इसे गार्निश कर देंगे हम। और इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे हमारे जीरा राइस के साथ। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा बहुत ही डिलीशियस सा होटल स्टाइल ये जो हमारी आज के जीरा राइस और दाल मखनी है। आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगली बार एक और इजी रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।